हेलो फ्रेंड्स, ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जहां पे आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपए का है और जो मंथली आपकी अर्निंग होने वाली है वो 30 से 40 हज़ार रुपए की होने वाली है। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा बट आप वीडियो में बने रहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा ये एक्सक्लूसिव वीडियो है तो मैं कुछ आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो अगर आपको हिट कर गई तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रही है। बहुत सारी न्यूज एजेंसी जो हैं इस न्यूज को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं असल में क्या है। जो कुल्हड़ होता है जिसको हम क्ले कप या क्ले पॉट भी बोलते हैं दोस्तों, जिसमें वैसे हम लोग चाय पीते हैं या आप लस्सी का कुल्हड़ देख सकते हैं, तो रिसेंटली हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा कि जो लोग प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं या प्लास्टिक के कप में लस्सी पीते हैं उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती है, स्पेशली उनको कैंसर भी हो सकता है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन रेलवेज में ये कंपलसरी कर दिया कि भाई अगर आप स्टेशन पे चाय पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं या आप लस्सी पी रहे हैं तो कुछ भी ड्रिंक अगर आप स्टेशन पे लेते हैं तो आपको उसमें कुल्हड़ में ही करके वो मिलने वाला है, आपको प्लास्टिक बॉटल में नहीं मिलेगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि देश भर के जितने स्टेशंस हैं हर जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुल्हड़ की सप्लाई खुद करा रहा है। तो एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ही लॉन्च की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका नाम है कुम्हार सशक्तिकरण योजना। इसमें क्या था कि जो लोग मिट्टी के कुल्हड़ बनाते हैं उनको जो चौक होती है जिसमें कुल्हड़ बनता है वो इलेक्ट्रिक चौक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री में दिया जा रहा है। आप उस इलेक्ट्रिक चौक का यूज करके जो काम एक कुम्हार 5 दिन में करता है वो सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक चौक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा इस स्कीम के तहत। उसके बाद जो कुल्हड़ आप बनवाएंगे या बनाएंगे वो कुल्हड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे परचेज कर लेगी, मींस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपसे आपके बने हुए कुल्हड़ खुद ही परचेज कर लेगी और वो इंडियन रेलवेज को सप्लाई करेंगे और बहुत सारी जगहों पे ये कुल्हड़ सप्लाई किया जाएगा। क्योंकि इससे दो फायदे हैं, एक तो हमारे देश के जो कुम्हार हैं उनको रोजगार मिलेगा और दूसरा आप कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बच पाएंगे। अब अगर आपको इस स्कीम में इनरोल करना है तो आप अपने लेखपाल या तहसीलदार या आपके जो पंचायत अधिकारी हैं आप उनसे मिल सकते हैं, वो आपको स्कीम के बारे में सब कुछ बता देंगे कि कैसे आपको इनरोल करना है, बेसिकली क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं, चाहे वो आपका आधार हो, पैन हो, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो, ये सारी चीजें वो ऑफिसर्स आपको बता देंगे। तो अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पे कुम्हार रहते हैं या आपके कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो आप उनसे एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना करके उनके तहत ये काम कर सकते हैं और आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि आगे चल के जो कुल्हड़ का क्रेज है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि प्लास्टिक से कई तरीके की बीमारियां फैलती हैं। वैसे भी अगर आप कुल्हड़ बनाते हैं तो आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद ही लेगी, अदरवाइज आप उसको लोकल भी सप्लाई कर सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो लागत है वो 5 हज़ार रुपए भी नहीं होती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एरिया चाहिए होता है जहां पे आपको चौक लगानी है और आपको मिट्टी चाहिए होगी जिससे आप ये कुल्हड़ बना पाएंगे। तो बहुत ज्यादा इसमें आपको मशीनें नहीं चाहिए होती हैं, बहुत कम मशीन्स में ये काम हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस स्कीम का फायदा उठा करके ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुल्हड़ बना रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको यहां पे इस तरीके की वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।